दोस्तों टीवी पर ऐसी कई भाई बहनों की फेमस जोड़ियां हैं जो लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं। सीरियल्स में भाई बहन का किरदार निभाने की वजह से फैंस भी उन्हें इसी रिश्ते से ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ की ये भाई बहनों की जोड़ियां असल जिंदगी में पति पत्नी हैं? और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन रियल लाइफ भाई बहनों के रियल लाइफ में पति और पत्नी बन चुके या फिर एक दूसरे को डेट कर चुके इन्हीं जोड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस लिस्ट में नंबर वन पर नाम आता है शिविन नारंग और दिगांगना सूर्यवंशी का। दोनों ने सीरियल एक वीर की अरदास वीरा में भाई बहन का किरदार निभाया और सीरियल के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब भी आए और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये रिश्ता अब टूट चुका है। कुछ समय पहले ये खबरें आई थी कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। वह एक्ट्रेस दिगंगना का नाम महेश भट्ट के साथ भी जुड़ चुका है तो वहीं एक्टर शिविन नारंग का नाम भी शो बेहद 2 की लीड एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के साथ जुड़ चुका है। दरअसल खबरें आई थी कि सेट पर दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम बिताते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है टीवी के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के फेम एक्टर रोहन मेहरा और कांची सिंह का। रोहन ने बिग बॉस के घर में जाने से पहले अपनी लव लाइफ के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी को एक्ट्रेस कांची सिंह के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और उसी वक्त ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में रोहन और कांची भाई बहन का किरदार निभा रहे थे, जहां रोहन ने नक्श का और कांची ने गायू का किरदार निभाया था। पर्दे पर दोनों की जोड़ी को बतौर भाई बहन काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा था, इसलिए शो के निर्माताओं ने उन्हें अपने रिश्ते को सभी से छुपाकर रखने के लिए भी कहा था। ऐसे में रोहन ने अपने रिश्ते के बारे में तभी सबको खुलकर बताया जब उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया था। वेल रोहन और कांची अभी भी रिलेशनशिप में है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है टीवी के फेमस शो मेरे अंगने में के फेम एक्टर नीरज मालविया और चारू असोपा का। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया। स्क्रीन पर भाई बहन की भूमिका निभाने से पहले दोनों दोस्त थे। इसके बाद एक साथ काम करने के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। हालांकि दोनों अपने रिश्ते को लेकर आगे नहीं जा पाए और फिलहाल चारू की शादी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से हुई है। लेकिन खबरें हैं कि दोनों का रिश्ता भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है मयंक अरोड़ा और रिया शर्मा का। दोस्तों तू सूरज में सांझ पिया जी सीरियल में दोनों ही कलाकारों ने भाई बहन का किरदार निभाया था, लेकिन काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कई बार दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आई। दोनों आज भी रिलेशन में हैं और बताया जाता है कि शादी भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने आज तक अपने रिलेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है अभिषेक वर्मा और अदिति भाटिया का। भला अब इन्हें कौन नहीं जानता। टीवी के फेमस शो ये है मोहब्बते में अभिषेक ने आदित्य और अदिति ने रूही का किरदार निभाया था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। रियल लाइफ के इस भाई बहन की जोड़ी के बीच असल जिंदगी में डेटिंग की अफवाह भी है। दोनों को हमेशा एक साथ घूमते हुए देखा जाता है और घंटों शूटिंग के बाद एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए भी दोनों स्पॉट किए जा चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है अविनाश सचदेव और शालमली देसाई का। दोनों ने शो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 2 में भाई और भाभी का किरदार निभाया था। तो जहां पहले वो एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे में दोनों जल्दी ही दोस्त बने और फिर शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गए। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है एक्टर मजहर सईद और मौली गांगुली का। इन दोनों की मुलाकात शो कहीं किसी रोज के दौरान हुई थी। इस सीरियल में दोनों ने भाई बहन का किरदार निभाया था, लेकिन शो के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग अलग धर्म के होने के बावजूद शादी कर ली। वेल इनके प्यार की शुरुआत भी इसी शो के दौरान हुई थी। दोनों आपस में काफी ज्यादा वक्त भी बिताते थे। दोस्तों भले ही इन ऑन स्क्रीन स्टार्स ने भाई बहन का किरदार निभाया हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन इन स्टार्स ने एक दूसरे को डेट भी किया है। लेकिन आपको इनमें से किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कॉमेंट करके उनका नाम जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।